आप जब भी एच पी एल सी कैलिब्रेशन करते हैं उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं जिसकी आप आप हर कंपार्टमेंट के के है कि कैलिब्रेशन दौरान चेक करते हैं अच्छा इसी तरह एच पी एल सी में जो आप डिटेक्टर है एच पी एल सी का उसमें एक टेस्ट परफॉर्म होता है डिटेक्टर uh, का टेस्ट ड्यूरिंग कैलिब्रेशन जिसमें आप कैफीन के डिफरेंट कंसल्टेशन के सैंपल बनाते हैं और एक कर्व ड्राइव करते हैं और उसकी एक लिमिट है रेंज है उसमें आना चाहिए तो सवाल ये है कि इस टेस्ट में एचपीएल सी कैलिवेशन में हम कैफीन को एज स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं इसकी क्या वजह है तो इसको हम आज डिफाइन करेंगे इसके पीछे रीजंस क्या है तो वो डिस्कस करते हैं देखिए कैफीन को जब भी आप एचपीएल सी कैलिवेशन में डिटेक्टर लिनेटी टेस्ट में लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड उसकी वजह ये है कि कैफीन की अवेलेबिलिटी ईजी है नंबर वन बात नंबर दो कैफीन एज सेफ कंपाउंड है इसलिए कैफीन को एजैंडर्ड दिया जाता है नंबर तीन कैफीन एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है उसका रिटेंशन टाइम वेरी स्टेबल है इसीलिए उसको एज ए स्टैंडर्ड दिया जाता है नंबर फोर जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसके बाद स्ट्रॉन्ग यू वी एब्जॉर्न का कि कैफी जो है ना इसकी यूवी रेंज को एब्जॉर्ब करने में काफी स्ट्रोंग होता है स्पेशली जब आप यूवी डिटेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो इसीलिए कैफिन को रिकमेंडेड है कि एचपल सी के एलिवेशन के दौरान इन चार पॉइंट्स को देखते हुए कि कैफीन को एज स्टैंडर्ड लिया जाता है डिटेक्टर टेस्ट के दौरान ठीक अभी ये इसी को डिफ़ाइन करना था मैंने बेसिकली तो अभी हम एच पी एल सी की कैलुवेशन पर आएँगे पूरे एक एक मॉड्यूल को डिफ़ाइन करेंगे बहुत सवाल आए हुए हैं एच पल सी की के हवाले से सवाल आए हुए हैं और रिलेटेड सब्सटेंस के हवाले से बहुत लोगों के सवाल है ये सब वीडियोज़ और मैथड वेलडेशन बड़ बड़ा टॉपिक अभी बाकी ये आएंगे इन शाला पाइप लाइन में वीडियोज़ें थोड़ा टाइम की वजह से शेड्यूल बिजी जा रहा है तो एच पी एल सी को अपनी कैलिब्रेशन में लाएंगे लेकिन अभी आज की छोटी शॉर्ट वीडियो में मेरा पर्पज़ ही था के जो टेक्निकल बातें उनको भी क्लियर करते जाना चाहिए साथ साथ कैफीन को हम क्यों एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं इन चार बातों की बुनियाद पर ठीक है आते किसी और टेक्निकल बात के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज